नित्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ है सोना? सोना गुड मॉर्निंग कर दे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आज सैटरडे और मॉर्निंग का टाइम है, अभी 7 बज रहे हैं और हम लोग, मैं तो बहुत जल्दी 6 बजे उठ गई थी क्योंकि नित्या उठ गई थी तो फिर वो बस उसका बोलना शुरू हो जाता है तो इसलिए उठ गई थी। और अभी 7 बज रहे हैं और अब हमारा दिनचर्या जो स्टार्ट हो रही है। मम्मी तो झाड़ू लगाने लग गई हैं और मम्मी ने भजन लगा रखे हैं, शायद आपको सुनाई भी दे रहे होंगे। और बस अभी पानी पी रही हूँ मैं गर्म, सोनू को पानी गर्म दिया है मैंने और बच्चे यहाँ पे, और सोनू जो है यहाँ से बिस्तर हटा रही है क्योंकि रात को हम यहीं पे सोते हैं तो इधर भी अच्छा रहता है। कूलर खोल देते हैं आपा, फैन ऊपर चलता है तो बहुत मस्त वाला जो होता है ना, सबका एसी चल रहा है तो बहुत अच्छे ठंडा हो जाता है। बंद करना पड़ता है कूलर रात को, फिर इसलिए यहाँ पे सोनू जो है जो बिस्तर हमने रात को बिछाते हैं ना यहाँ पे, उसको तय लगा रही है क्योंकि मम्मी झाड़ू लगा रही है। मम्मी जीना जी नाची नाच, ओ नाच 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 नाच। नित्या नाच के दिखा दो, नाची करके। ये देखो ये करेगा नाची 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 नाच 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 नाच। डांस कर ली, हाँ ये डांस कर ली है, डांस कर ली है। और आज है सैटरडे, टाइम अभी हो रहा है कूलर की, अपने आप आती है कूलर की, ब्लॉग स्टार्ट करती है। तो अभी टाइम जो है ना 3:30 बज गए हैं, इस अभी हमने 2:30 बजे के टाइम जो है वो लंच करा है और फिर इसके बाद यहाँ पे बैठ के कूलर चला दिया। आपको शायद कूलर की आवाज़ भी आ रही होगी तो मैं इधर कर लेती हूँ। और मैंने अपना वीडियो अभी अभी अपलोड करा है और वहाँ से हमारी डॉल जो है देख रही है, वो देखो वो देखो खुश हो रखी है। तो बस और आप सोनू के ब्लॉग में देखोगे, ये हमने आज इसको सिंक में नहलाया है, ऐसे ही बर्तन धोती हूँ। मैंने मजाक से सोनू को बोला कि यार ये तो सिंक में भी फिट हो जाएगी, इतनी छोटी है। और सोनू ने उसे सीरियसली लिया और वहाँ पे उसे नहला दिया और इसने इतना इन्जॉय करा है। सोनू के ब्लॉग में देखना, इसने बहुत मज़े करे हैं, तब से ये मज़े में है। टचवुड भी तो ये कम मज़े में होती है लड़की इसको हमने बहुत बदनाम कर दिया है ना, इस लड़की को बहुत बदनाम कर दिया है। रोज उड़ के नाम से फेमस हो रखी है ये, तो बस वही है। और मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, मैं सोनू को बोलती बहन जब से तू आई है ना तो मेरा ब्लॉग भी बन रहा है। मैंने कल भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, जो आपको आज मिला है ना वो परसों का ब्लॉग है। तो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, बल्कि अब तो वो है सब है, सब ब्लॉग और बनना चाहिए, लेकिन जब से ये आई है मेरे ब्लॉग टप हो गए, बन ही नहीं रहे। मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। और हमने कूलर लगा रखा है, यही नीचे पूरा बिस्तर बना रखा है, तो मम्मी भी इधर है, सोनू भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, बच्चे अपने उधर रूम में, वो अपना उधर सो रहे हैं। तो बस मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। तो बाल भी बस अभी आप ऐसे ही हो रखे हैं मेरे, बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं। और आज बहुत सारे कपड़े हमने वॉश करे, बहुत सारे, क्योंकि कपड़े ना बहुत दिनों से धुले नहीं थे, ऐसे आलस आलस कर रहे थे, तो आज मशीन में सारे कपड़े धो लिए हमने। और अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए, मैंने कहा चलो इससे क्या होता है, ब्लॉग स्टार्ट कर दो ना तो फिर चलता रहता है, और स्टार्ट ही ना करो तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं होता है, फिर एंड ही नहीं होता है उसका। तो मैं सोच रही थी चलो स्टार्ट कर देती हूँ। और अब पूजा उठ, पापा बोल रहे चाय बना लिए कप, पापा को अच्छी लगती तेरे हाथ की चाय, यहाँ पे रखे हुए आम बच्चों के लिए, और इधर बैठे हुए बच्चे, एक तो मुंह ढक रही है, एक इधर बैठी है, जाओ आम खा लो, जाओ आओ बैठ जाओ इधर। बैठ जाओ उधर नित्या, नित्या
अरे खाते खाए जा रहे हैं आम। वीडियो बन रहा तुम्हारा? मैंने खोला। ओ ओ ये भी सो के हो गई अभी। अरे यार सोनू है और उधर कूलर है। क्या बनाया आपने? मम्मी को भी दिखा। अब लो मम्मी को भी देखो, जब मम्मी हमें दिखा रही तो ये देखो मम्मी, मम्मी अपने आप ही वीडियो बना रही है। किसने खोल के दिया मम्मी आपको? मैंने खोला। पासवर्ड किसने बताया? आशी ने। ये आम खा रहे हैं यहाँ पे। और मैं बनाऊंगी अब चाय। आज चाय की ड्यूटी मेरी है इसलिए अब चाय बनेगी। नींद तो भी उठ गई है, मोची की चाय निन्नू कर ली थी ना। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और टाइम हो गया है 5:30 ऐसे होता है। और मैंने सो नहीं रही थी, मैं ऐसे लेटी हुई थी बस। तो मम्मी मैं सुन रही थी, मम्मी बोल रही है आशी को फोन खोल दे पूजा का। तो मैं सुन रही थी कि मैं मतलब ऐसे नींद तो आती है लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सुन रही थी मम्मी वीडियो बना रही है, मतलब ऐसे तो पता नहीं था कि वीडियो बना रही है। मुझे ऐसा लगा मम्मी मेरे फोन में कुछ देख रही, तो आशी से पासवर्ड मांग रही थी। तो बस भी उठ गए हैं, लेकिन 5:30 बज रहे हैं ना, इतनी तेज धूप हो रही है। तो मतलब 4 बज रहे हैं। मैंने चाय चढ़ा दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे चढ़ाई हुई है चाय। और मैं कुछ ढूंढ रही हूँ शक्कर, गुड़ वाली शक्कर होती है ना, वो ढूंढ रही हूँ। मम्मी ने बोला है वो किसी कप में है ऊपर, लेकिन मुझे देख नहीं रहा है। तो मम्मी से दोबारा पूछूंगी, नहीं तो मैं देखती हूँ कहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी है और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं बैठ के। और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब जब मैं वीडियो बना रही थी तब मैंने इतना देखा नहीं था, अभी मैं एडिटिंग करते हुए देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं। और मैंने मम्मी को कद्दू भी दे दिया था, मम्मी ने कहा था कि कद्दू मैं काट देती हूँ, हम लोग मतलब कद्दू बना के और आटा वगैरह गूंथ के फिर हमें जाना था, मतलब ऐसे ही मम्मी के घर के पास चौक तक ही जाना था। तो फिर इसलिए क्योंकि फिर आते हुए ना थोड़ा लेट हो जाता है और 7 बजे से पहले निकला नहीं जाता है, और 7 बजे निकलो तो फिर हो जाता है 8 तो या 8:30 तो बज ही जाते हैं। इस वजह से हम लोग खाना बना के चले गए थे, बस रोटी हम लोगों ने रात को फिर आकर बनाई थी। और बस ऐसे ही बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सोनू लगा रही है मेरे नेल पेंट, और आपने देखा होगा मेरे हाथ पैरों में कभी भी आपने देखा होगा नेल पेंट रहती ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा आलस आता है ये नेल पेंट लगाने में तो कुछ ज़्यादा ही। अगर जिस दिन लगाई है ना, पता नहीं कितने महीने बीत जाते हैं कि वो नेल पेंट लगती नहीं है। तो फिर सोनू ने बोला कि मैं तेरे नेल पेंट लगा देती हूँ, तो मैंने कहा चल वो लगा रही है, तब मैंने लगा दी, अदरवाइज तो मुझे फिर बहुत आलस आता है ये लगाने में। हो गया अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। आज मम्मी को भी हमने रेडी करा हुआ है, आप रोज बोलोगे रोज ही रेडी होने में लगे हुए हैं। तो कल एक्चुअली हम लोग गए थे प्रेमनगर मार्केट, गए थे मैं और सोनू गए थे। सोनू को कुछ लेना था लेकिन कुछ नहीं लिया सोनू ने, क्योंकि उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था और ऊपर से देर हो गई थी, हम लोग देर से निकले देर से आए, तो उसने कुछ लिया नहीं। एक चीज़ लिया उसने वैसे ना, तो एक चीज़ ली है, बाकी जो सोच रही थी वो उसने लिया नहीं है। तो अभी मम्मी बोल रही, हाँ मतलब जो मम्मी के इधर है चौक में ही है ना, वहाँ पे शॉप से मम्मी बोल रही तुम मैं वहीं पे ले जा लेंगे, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग अभी। और थोड़ा सा घूम के भी आ जाएंगे। मम्मी मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भी चल लो, मम्मी भी घर में करेंगे ना अकेले अकेले, आशी और तो छत में चल जाएंगे खेलने के लिए और ऐशू। तो बस हम लोग अभी निकलेंगे, अब आशी से वो सोनू तैयार हो रही है और मम्मी ने नित्या को पकड़ लिया और हम लोग अब निकलेंगे। और यहाँ देखो मैंने नेल पेंट लगाई है, और नेल पेंट कैसे लगाई है
जितनी सोनू के पास नेल पेंट है उतनी मैंने अपने उंगलियों में लगा दी है, और ये सोनू ने ही लगाई है, तो ये सिया ने लगाई है क्योंकि ठीक है अपने हिसाब से ठीक लगा रखी है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं और चश्मा वगैरह पहनूंगा और फिर हम लोग निकले। और इतना गर्म हो रहा है ना हमारे, तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत गर्मी हो रही है, बारिश पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, तो पता नहीं क्यों हो रही है। और हम लोग निकल रहे हैं, चल तैयार हो जल्दी सोनू, सोनू भी रेडी हो रही है, तब तक लास्ट में सोनू रेडी होती है क्योंकि क्या पकड़ा हुआ था इसलिए। हाँ वही तो, किसी के पास नहीं आती भाई लड़की, सच्ची में इसके दांत निकल रहे, मुझे ऐसे लग रहा है दांत भी यार तो अभी दांत निकल रहे, पहले तो निकल रहे थे इसके, कहीं भी चिड़चिड़ी थी नहीं तो घर में तो इतनी नहीं थी ना, अब यहाँ पता नहीं क्यों हो रही। वो कितने महीने में, 10 महीने लगी, 10 महीने 11वें महीने में इतने दक्ष के भी आ गए थे 11 महीने तभी। हाँ हो सकता है तभी चिड़चिड़ कर रही हो ना, तो मुँह कितना बुरा लग रहा है मेरा, क्या लग रहा है बोरा, मेरे फेस में तो ग्लो ही नहीं है। ग्लो तो मेरा नहीं है, आप सारा ग्लो नहीं है, बच्चों ने ले लिया मेरा। बच्चों को बदनाम करो। तो बस ये तैयार हो रही है और फिर हम कपड़ों की तैयारी आगे आके करूंगी ना, कपड़ों की तय अभी टाइम नहीं, 7 बज गए इसलिए। तो बस मैं स्टोर ले लो, इतने सारे कपड़े हैं आज तो क्या बताऊं मैं आपको, आके फोल्ड करूंगी। खाना भी हमारा रेडी हो चुका है, मतलब खाना बन चुका है, रेडी क्या बोलेंगे, खाना पूरा बना हुआ है हमारा। कद्दू की सब्जी है जो सोनू ने इसमें बनाई है, मेरी मम्मी और सोनू ना कुकर में बनाते हैं सब्जी और अच्छी लगती है, तो उन्होंने चढ़ा दिया है यहाँ पे, मैंने आटा गूंद दिया था। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, मैंने कितनी बार बोल दिया निकल रहे हैं, निकले नहीं लेकिन। हाँ बेटा ना नित्य बाय आजा, अब तो एकदम आ रही चालू है बहुत चालू, बच्चा गांधी हो गया। तो नित्या को मैं घुमा रही हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा घुमाया भाई, थोड़ा सा, ये घुमक्कड़ हो गई है, ये घुमक्कड़ हो गई है। और अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे देखो, और ये मेरी मम्मी के घर के बाहर का है, मेरी मम्मी ने मतलब यहाँ पे कद्दू की बेल भी लगा रखी है और गिलोए की बेल भी लग रही है। थोड़ा सा मतलब इनकी रानी थोड़ा सा वो पुदीना भी लगा रखा है, तो ये मम्मी करती है। मम्मी को वैसे बहुत शौक है लेकिन इतनी जगह नहीं है मम्मी के पास ना, मम्मी ने घर के बाहर ही लगा रखा है, लेकिन शौक है उनको तो उन्होंने लगा रखा है। चलिए अब अंदर चलते हैं, जरा काम स्टार्ट करते हैं भाई, उसके साथ खेल जाओ। यहाँ पर हमारी मौसी हमारे लिए खाना बना रही है, पराठा बना रही है, ये देखो इनके लिए आज बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, और यहाँ पे साथ में बन रहा है इनके लिए करेले की सब्जी, और यहाँ पे चाय चढ़ा रखी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता। टाइम हो गया है 9:30 बज गए हैं और मैंने नाश्ता अभी अभी रेडी करा है, इसमें मैंने सब्जी चढ़ाई है उसकी, क्या होता है वो करेले बनाए हैं मैंने, और रोटी मैंने बना के रख दी, और गर्मी किचन में इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी सिर्फ 9:30 बज रहे हैं लेकिन गर्म ऐसा हो रहा है जैसे 10-11 बज गए हैं। खैर किचन में तो वैसे भी गर्मी होती है क्योंकि फैन वगैरह नहीं होता, और थोड़ा सा बंद भी है ना इस वजह से वो है। और मैंने वैसे मैं पहले सोची थी कि नाश्ता क्या बनाऊँ, दिमाग में रहता है ना रोज रहता है, यहाँ भी और कहीं भी हम लोग रहते हैं क्या बनाए, तो मुझे करेले दिखे, मैंने करेले आलू और प्याज बना दिए साथ में। और मैंने इसलिए भी नाश्ता चुना है क्योंकि एक तो मुझे बनाना पसंद है खाना, और ऊपर से अभी फिर बर्तन जो है और किचन क्लीनिंग है ये सब करेंगे मिलके, अब मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारी रोटी और पराठे बनाए हैं, सब्जी काटी है बनाई है, बहुत सारा कर दिया है। अभी चाय बनाऊंगी मैं और बच्चों को नाश्ता दूंगी सबसे पहले।
फिर हम लोग करेंगे। और यहाँ पानी भी भर दिया है, तो पानी सुबह शाम रोज मम्मी मतलब भरती है मम्मी यहाँ पे ना, फ्रेश पानी जो आता है ना वो रोज ही भरते हैं। इतना ठंडा जैसे बिल्कुल चिल्ड पानी आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो है, तो बस अब मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ और इसके बाद मैं फ्री हूँ बिल्कुल। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं। एक तो मुझे आशी और सिया का होमवर्क जो है वो आज मैं सोच रही हूँ कि फिनिश कर दूँ, या और एक सोच रही हूँ मैं जो मेरे जितने भी कुर्ते हैं उनकी मैं फिटिंग कर दूँ, ये मैं सोच रही हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे आज करनी है। और आज संडे है, ठीक है, आज मेरी बड़ी बहन भी घर पे ही है। तो चलिए आपको मिलूँगा, फ़ोन गिर गया था अभी, तो आपको मिलूंगी मैं थोड़ी देर में। और अभी फेस की हालत भी कुछ ऐसी हो रही है पसीने से, तो बाद में मिलती हूँ आप सबसे। बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, उसको टाइम हो गया 9:30 बज के। और मम्मी वहाँ पर कर रही हैं, पूजा कर रही है मम्मी, सो रही पर है, अभी ब्रश करके आई है। ये अब मेरी बड़ी बहन इनको खिला रही है, तो तुम्हें पकड़ सकते हो, अपने दबोच लेंगे तुम्हें, फिर तुम्हारी सांस रुकेगी, टूटेगी कबड्डी कबड्डी करके, तो तुम आउट हो जाओगे, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे गेम खिला रही है कबड्डी, तुम्हारे पाले में आएगा, उसको आउट करना है। आ रहा है समझ में? तुम्हारी कोशिश रहेगी कि तुम्हें उसे पाले में जाके उसे आउट करना है, और उनकी कोशिश रहेगी कि वो तुम्हारे पाले में अगर आ गए तो मैं आउट कर दूंगी। चलो सबसे पहले जाएगा रनी, ऐसी सबसे पहले रनी जाएगा। दक्ष को देखना, खेलना नहीं आ रहा अभी, उसको उसके पाले में वापस ही नहीं जाने देना। और बाहर देखो धूप कितनी तेज हो रही है, देखो मेरा टल है, बहुत तेज है बाहर, कोई दिख ही नहीं रहा है, इतनी तेज धूप है। पकड़ मम्मी कर रही है टीचर,